कौन किस तरह की चाल चलेगा ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। कौन कब किसकी साइड है और कौन कब किसके खिलाफ ये भी आप कभी नहीं बता सकते। जी हाँ, जिस मनी को देखकर ये लगता था कि वो रमन और इशिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज वही मनी बन गए हैं इनके दुश्मन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भला ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि शगुन से अशोक मिल गया है और दोनों मिलकर भल्ला परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, और अब तो मनी भी शामिल हो गया है इनके साथ। दरअसल मनी को लगता है कि पीहू के लिए शगुन ही सबसे अच्छी माँ है और वो जुट जाता है पीहू की कस्टडी शगुन को दिलाने के लिए। हम आपको बता दें कि शगुन को मनी से कोई प्यार व्यार नहीं है। दरअसल मनी बहुत पावरफुल इंसान है और शगुन ने इसीलिए मनी से शादी की थी ताकि वो उसकी पावर का इस्तेमाल कर सके। जी हाँ, शगुन मनी से प्यार का नाटक करेगी और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर पूरी कोशिश करेगी कि पीहू की कस्टडी उसे मिल जाए। अब आगे क्या होगा, क्या शगुन को पीहू की कस्टडी मिल जाएगी, ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।